बीती देर रात हुशियारपुर के हलका गढ़शंकर नस्तीक स्थित श्री खुरालगढ़ साहब च वापरे एक दर्दनाक सड़क हादसे च सत्त व्यक्तियों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। जानकारी मुताबिक विसाखी मौके पहुंची संगत तप स्थान श्री खुरालगढ़ साहब तो चरण छोह गंगा वल पैदल दर्शन करने लिए जा रही थी। इस दौरान पिछे तो आ रहा एक ट्रक श्रद्धालुओं पर जा चढ़िया, जिस कारण चार व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों को तुरंत गढ़शंकर के सरकारी हस्पताल च इलाज लिए भर्ती करवाया गया है, जिथे कि 3 होर व्यक्तियों की मौत हो गई। जख्मियों चो 5 गंभीर हुए जख्मियों PGI चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है। दसिया जा रहा है कि मृतक UP के मुजफ्फरनगर के रहन वाले ने। इस हादसे च इको परिवार के 5 जिया की मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलने तो बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए तो अगली पड़ताल शुरू कर दी है। गढ़शंकर तो हुशियारपुर न्यूज़ के नाल संजीव कुमार की रिपोर्ट। पिंड का नाम है जी मेरा, हम आम लग रहे थे नीचे चरण जो बैठ गए थे ना, पैर दफा थे हम तो बटे बटे पूरा परिवार आ रहा था हमारा, और पीछे तो टक्कर लगी, पहला टक्कर मेरे लगी, मेरे साथ मेरे घर वाली लगी आपा ला दी, और फिर बच्चे सारे चिकलती रही। 5 सदस्य अपने परिवार में चल गए। मेरा बड़ा भरा है वो बड़ा, तो मेरी भाण जी है वो, और मेरी घरवाली भी चल गई, और मेरी लड़की, मेरी लड़की 16 साल की थी, बहुत पैर लगी थी, बस मेरा ना सो दिक्कत होगी। हम तो मजदूरी करने आए थे यहाँ भट्टे पर जी, अच्छा जिंदल पर, ठीक है जी। हमने सोचा चलो गुरु जी के दर्शन कर लगे, अच्छा तो सारा परिवार इकट्ठा होगा आएगा था हमारा, हम करीबन 40-45 बंदे थे। अच्छा जी, हाँ जी। और बस जब से बाद में फिर ना तो कोई एम्बुलेंस लेना आई हमें, मैं वहाँ तड़पू गया, ज्यादा तो लापरवाही कुछ ये भी हुई जी, एम्बुलेंस कहीं बिल्कुल नहीं मिली, फिर गाड़ी में लिटा लिटा कर लाए, किनकी मारता है मेरा भाई की, बल्कि रास्ते में ही मौत हुई, वो तड़प तड़प कर व्यवस्था ही नहीं थी, पड़े थे ऐसे गिर का आगे हम उसमें DCM से में, ये भी इतने बंदे है व्यवस्था तो चाहिए ना, कहीं लाइट का जुगाड़ था ना कुछ था, बंदे थे बहुत ज्यादा जी वहाँ से, तो मार तो सारा परिवार का ना समझा, बड़ी सी लापरवाही नहीं। एक ट्रक चढ़ गया ऊपर आपके ऊपर? हाँ जी ट्रक चढ़ गया पीछे था, ट्रक को फिर पुलिस ने कब्जे में लिया, कोई पता चला कहाँ पकड़ लिया उसको? वो वहीं पड़ रखा जी, पकड़ लिया उसको? हाँ जी, ठीक। मेरा नाम नरेश कुमार है। एक कितना है जी एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट है जैसे कि हम तो गाड़ी से उतर के आ रहे थे जी, अच्छा जी पैदल आ रहे थे, जबकि वो रोड मतलब वहाँ से कोई गाड़ी कोई ट्रैफिक नहीं आने दे रहे थे, पता नहीं वो कैसे गाड़ी आई, कैंटर कैसे आया, पता नहीं उनकी लापरवाही से आया कैसे आई, ये नहीं कह सकते, बंदे जैसे इधर को जा रहे पीछे से आ गया, बंदे इतने बहुत ज़्यादा थे, अब बंदे आपस में मिल मिल कर चल रहे थे, मतलब इतने बंदे थे वहाँ पे, अब पूरा भरा रहता रोड, पीछे से एकदम आया, मैं तो पता चला बाद में कि गाड़ी गाड़ी थी, जब बाद में एक्सीडेंट हो गया भाई। एक ट्रक था, ट्रक चढ़ गया ऊपर, व्यक्ति ट्रक ऊपर चढ़ गया ना? हाँ। आप नीचे चरण छोह गंगा में? अरे चरण छोह गंगा में नीचे जा रहे थे आप? हाँ उसके लिए जा रहे थे, चरण गंगा के लिए नीचे जा रहे थे, बस जाने थोड़ी सी रह गया था, बस मुड़ने वाले थे नीचे से, ऊपर से एकदम आए। फिर डेथ होगी व्यक्ति होगी वहाँ पर? डेथ तो जी 5-6 बंदे थे बेचारे, एक ही परिवार के 6 बंदे थे। अच्छा एक ही परिवार के 6 बंदे? परिवार के 6 बंदे, इसकी भी लत खराब हो गई, एक बेटी है इनकी वो भी लत खराब हो गई, इसकी भी एक लत खराब हो गई, ये भी मेरे भी सट लग गई, पैर में लग गई, इधर लग गई, पर मैं वैसे ज़्यादा नहीं लगी, मैं तो ऐसे ठाके जैसे टक्कर ऐसे लगी ना ऐसे भगाता दूर। ਅਕਸਾ ਹੋਏ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਦੇ ਰਾਉਂਡ, ਇਹ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉੱਪਰ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਰੋਡ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਨੇ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਂਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਉਤਰਾਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਸੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੜਕਾ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੱਤ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸਰ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਅੰਗੂਰੀ ਜੀ ਟੀਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਦੇਸ਼ ਪਾਲ ਜੀ ਹੈ ਉਨਤੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਰਾਮੂ ਇਹ ਸੱਤ ਟੀਨਾ ਹੁਣੀ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਸੱਟ We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.